बसमिलीम माई नेम इज़ मोहम्मद रमान शफ़ीक एंड टूडे द टॉपिक ऑफ़ आवर डिस्कशन इज़ एजुकेशनल रिसर्च अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है जो रिसर्च वर्ड है ये जो है वो ड्राइव फ्राम फ्रेंच वर्ड रिसर्ची रिसर्ची से जो ये वर्ड निकला है और इसको जो ड्राइव किया गया है वो फ्रेंच में इसको ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है टू ट्रेवल थ्रू और सर्वे अगर आप हेडशिप का पेपर देते हैं तो उसमें जो उनका आइटम्स बैंक है उसमें जो ये क्वेश्चंस मौजूद हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिसर्च वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव किया गया है यानी कि फ्रेंच वर्ड से ये ड्राइव किया गया है और इसका मतलब है टू ट्रेवल थ्रू और सर्वे रिसर्च जो है ये पहले सर्च की होती है उसको मज़ीद रिसर्च करने के लिए हमें दोबारा रिसर्च करते हैं जो रिसर्च है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ़र्ज़ करें इसमें हमें फर्स्ट ऑफ आल पहले काज को ढूंढना पड़ता है और फिर हमें उसका जो है उसका हल तलाश करना पड़ता है क्लासरूम में अगर जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं बच्चों के रिलेटेड तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें बच्चों से ए, उसका काज जानना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है और इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर आप उसकी वजूहत का इलम हो जाएगा तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पेन हो रही है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ आल वो मुझे फ़र्स्ट एड के तौर तो पर पेन किलर दे देगा मेरी उससे जो है वो प्रॉब्लम तो हल हो जाएगी लेकिन मुझे मुसलसल अगर पेन फर्दर भी हो रही है तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आप पेन किलर इस्तेमाल करते जाएंगे आपको वक्ती तौर पर आराम आ जाएगा लेकिन परमानेंट जो हल है वो नहीं निकलेगा आप मुस्लिम टेस्ट के ज़रिए इसका पता लगाएंगे ये मस्कुलर पेन है या कोई भी जो मसला है फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उसको वजूहत को जानेंगे कि मेन ये किस वजह से हो रही है मस्कुलर पेन है या कोई और प्रॉब्लम है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब आपको इसकी वजूहत पता चल जाएंगी तो थ्रू एक्सरसाइज़ या थ्रू प्रॉपर मेडिसन आप उसको परमानेंट तौर पर रिमूव कर सकेंगे यानी कि रिसर्च जो है हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी वजूहत का इलम होना चाहिए उसके बाद उसको मुकम्मल तौर पर जो है उसका हल तलाश करना जो है वो रिसर्च में शामिल है अगर एक बच्चा जो है स्कूल में या क्लास में रोज़ाना लेट आ रहा है तो हमें बच्चे को फर्स्ट फर्स्ट ऑफ आल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसके डांट देते हैं और उसको फिर क्लास में उठा देते हैं ये उसका कोई परमानेंट हल नहीं है हमें चाहिए कि बच्चे से पूछें कि उसकी वजूहत क्या हैं उन वजूहत को मद्देनज़र नज़र रखते हुए हमें बच्चे का जो है वो फ़ैसला लेना चाहिए कि उसको किस तरह उसको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है अगर आप पी का एग्ज़ाम देख रहे हैं या हेडशिप की प्रिपरेशन देख रहे हैं या लेक्चरार का कोई भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें अक्सर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक बच्चा रोजाना क्लास में लेट आता है तो आप उसकी सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेंगे आप उसको डांटेंगे या उसके साथ क्या मामला पेश आएंगे तो उसका आंसर आपने ये देना है कि आपने बच्चे से पहले उसकी वजूहत को जानना है उसका काज जानना है उसके बाद जो है आपने बच्चे को उसका हल बताना है कि इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे ये मोस्टली जो है वो पी के आइटम बैंक्स में इसका ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है रिसर्च जो है दी एबिलिटी टू आंसर आ क्वेश्चन और कंसर्न फेसिंग मैनी ऑफ अस रिसर्च इज़ अ फॉर्मल सिस्टमैटिक अप्लाइड ऑफ स्कॉलरशिप अप्लाइड डिसिप्लिन इंक्वायरी एंड मोस्ट ऑफन साइंटिफिक मैथड टू स्टडी ऑफ प्रॉब्लम यानी कि साइंटिफिक तरीके के साथ हमें जो है उस प्रॉब्लम्स को हल करना है साइंटिफिक तरीके से अगर आप उसको हल करेंगे तो तमाम किस्म की जो मुश्किल हैं वो इजी तरीके से हल हो जाएंगी फदर जो है जो साइंटिफिक रिसर्च है ये एक सिस्टेमेटिक असिटेमेटिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग दी एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा फॉर दर्पज़ ऑफ आंसिंग क्वेश्चन कंट्रीब्यूटिंग अवर नॉलेज अबाउट एन एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिस एजुकेशनल रिसर्च रिलाइज ऑन मैथड्स एंड प्रिंसिपल्स दैट विल प्रोड्यूस क्रेडिबल एंड वेरीफिएबल रिजल्ट यानी कि जो आप एजुकेशनल रिसर्च में जो आप रिसर्च करेंगे जो प्रिंसिपल्स आप बनाएंगे उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो हर जगह पर उसकी प्रूव होनी चाहिए उसकी जो है वेरी वेरीफ यानी कि उसको वेरीफिएबल होना चाहिए आप कहीं पर भी उसको जो है उसको अप्रूव कर सकें अगर कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स अगर आप एक साइंसदान करता है तो वो उसको हंड्रेड परसेंट उसको फॉलो या उनकी तमाम जो है रिक्वायरमेंट उनको पूरा करना चाहिए फर्दर हम अगर देखें कि वाई डू व्यू रिसर्च हम जो है रिसर्च क्यों कर रहे हैं तो रिसर्च ड्राइव किया गया है रिसर्च से यानी कि आप एक सर्च पहले हो चुकी है उसको मज़ीद जो है रिसर्च आप कर रहे हैं उसके जो हैं वो थ्री परपज़िज़ हो सकते हैं एक है आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें न्यू इनोवेशन वक्त के साथ आ रही हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं बेटर रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे एड समथिंग न्यू करेंगे उसमें जो पर्पज़ होगा कि आपने जो रिसर्च की उसमें आपने नया क्या एडिशन किया आपने उसके बाद आपने क्रेक्ट जो है जो उसमें फ़्लाज थे यानी कि अगर आप पेपर पैटर्न के बारे में अक्सर डिस्कस किया जाता है कि पेपर का पैटर्न इस तरीके से होना चाहिए या पेपर जो है बच्चों के इस तरीके से लेने चाहिए या कि जो फ़लाज़ हैं उनको जो गैप हैं उनके अंदर उसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो रिमूव करना है ये एजुकेशन रिसर्च में दूसरा पॉइंट ये भी शामिल है तीसरा जो है वो प्रिडिक्टिव होना चाहिए आपने कुछ ना कुछ करना है उसके प्रोडक्टिव फंक्शन होने चाहिए यानी कि उसको कोई भी प्रोडक्ट कर सके अब अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आए रिसर्च की तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसको एम्पेरिकल होना चाहिए जिसमें फ़ाइव सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं एम्पेरिकल में उसके बाद सिस्टमेटिक है यानी कि एक मुकम्मल साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए जिसमें मुकम्मल तरतीब के साथ उसको जो है वो एक्सप्लेन किया जाना चाहिए रिसर्च को उसको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्वॉलमेंट उसकी होनी चाहिए और जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसकी खसूसियात में उसकी वैलिडिटी भी शामिल होनी चाहिए कि वो किसी भी जगह पर उसको दोबारा अगर एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्रूव करना पड़े कोई भी साइंसदान तो वो उसको 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 जो है वो वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए और कैन बी अंडरटेकन इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स उसको कई तरीक़ों से आप उसको यानी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप उसको कंडक्ट कर सके हों और जो जब हम मुखलिफ़ तरीक़ों से कंडक्ट करेंगे तो उसके जो आंसर्स होंगे वो आलमोस्ट सेम ही होंगे दैट्स आल अबाउट द एजुकेशनल रिसर्च थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़